नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। बंधुओं कैसे हो? आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 वैकेंसीज की। यहाँ पर अराउंड 8000 पोस्ट हैं, परमाणु विभाग से बहुत बड़ी भर्ती है जिसके लिए 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, यहाँ पर 10वीं पास के लिए सैलरी मिलती है 21,700 रुपये, 12वीं पास के लिए मिलती है 32,500 रुपये, डिप्लोमा के लिए मिलती है 47,400 रुपये, वहीं ग्रेजुएट के लिए मिलती है 62,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पर पांचों ही वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, पांचों वैकेंसीज के लिए 10वीं पास, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है कि अगली वैकेंसी आपके ही काम की हो। और इन पांचों वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में। साथ ही आज का कुछ क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है दिनार, टका, रूबल या फिर एन। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। और सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा आपको कल यानी कि 9 अक्टूबर को, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है और मैं कल के दिन गिव अवे के रिजल्ट का अनाउंसमेंट करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इन पांचों वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों पहली वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से यानी कि CHPSCL से। यहाँ पर 670 डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट हैं जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर प्लस DCA वाले। सिलेक्शन बेस्ड रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू पर। एज लिमिटेड 18 से 35 साल। सैलरी मिलती है 62,000 रुपये पर मंथ और इसकी लास्ट डेट है 5 नवंबर 2018। अगली वैकेंसी आई है कैंटोनमेंट बोर्ड मुरार से और यहाँ पर पोस्ट है जूनियर क्लर्क के। क्वालिफिकेशन है 12वीं पास प्लस टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। सिलेक्शन बेस्ड रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट पर। एज लिमिट है 18 से 25 साल। सैलरी मिलती है 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये तक और इसकी लास्ट डेट है 5 नवंबर 2018। अगली वैकेंसी आई है RARIMCH के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर सीनियर रिसर्च फेलो एंड मल्टीटास्किंग अटेंडेंट के पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन है 10वीं पास और बैम्स की डिग्री। सिलेक्शन बेस्ड है इंटरव्यू पर, सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होगा। एज लिमिटेड 30 साल मैक्सिमम और इसके लिए सैलरी मिलती है 16,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये पर मंथ। वॉकिंग का डेट है 15 और 18 नवंबर को। अगली वैकेंसी आई है इंडियन कोस्ट गार्ड से। पोस्ट है कुक और स्टीवर्ड के। क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। सिलेक्शन बेस्ड है रिटर्न टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट पर। एज लिमिटेड 18 से 22 साल। सैलरी मिलती है 21,700 रुपये पर मंथ और इसकी लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2018। अगली वैकेंसी आई है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर पोस्ट काफ़ी सारे हैं। यहाँ पर पहला पोस्ट है ड्राइवर का, देन नर्स का, देन टेक्नीशियन का, देन स्टीनोग्राफर का, देन असिस्टेंट का। अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है और इस वैकेंसी को अप्लाई करने का डेट है 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में। अप्लीकेशन फीस फ्री है सभी के लिए। एज लिमिट है 18 से 30 साल। सिलेक्शन बेस्ड रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू पर। पे स्केल मिलता है 10,500 रुपये से लेकर 25,500 रुपये तक। और ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन है 12वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस। नर्स के लिए डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM BSc नर्सिंग। टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास, 60% मार्क्स, 1 ईयर का मेडिकल रेडियोग्राफी एक्सरे सर्टिफिकेट। स्टीनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन प्लस 50% मार्क्स। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट इन रेलिवेंट फील्ड। और जॉब लोकेशन आपकी रहेगी गुजरात।